भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में भारतीय सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव तीसरी बार लगातार पहली गेंद यानी कि गोल्डन डक पर अपना विकेट गंवाते दिखाई दिए। पहले दो मैचों में सूर्य कुमार यादव जहां मिचेल स्टार्क का शिकार बने, तो वहीं अंतिम मुकाबले में चेस करते हुए एश्टन एगर ने उन्हें पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव के पहली ही गेंद पर तीसरे मैच में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर जैसे कि मानो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मुहिम से छिड़ गई हो। सभी ने उन्हें वनडे से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा। सूर्य कुमार यादव को इस तरह से संघर्ष करता देख कई फैंस को बुरा भी लगा। कई दिग्गजों ने सूर्य कुमार यादव का समर्थन करते हुए ये कहा कि सूर्य कुमार यादव अपनी खराब फॉर्म में नहीं बल्कि भटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी सूर्य कुमार यादव का समर्थन और उनका साथ देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि सूर्य कुमार यादव को तीनों जो गेंद मिली वो तीनों ही एक बेहतर और अच्छी गेंद थी। चलिए जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव पर बात करते हुए रोहित शर्मा ने क्या कहा। उसने सीरीज में सिर्फ तीन ही गेंद खेली, मुझे नहीं पता था कि इसमें कितना देख सकते हैं। उसे तीन अच्छी गेंद मिली, आज मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी गेंद थी, उसने बस गलत शॉट चुना, उन्हें शायद आगे आना चाहिए था, वो सबसे अच्छा जानता है। यहां तक कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए भेजने पर रोहित शर्मा ने कहा कि वो स्पिन को इतनी अच्छी तरह से खेलता है, यही वजह थी कि हम उसे रोकना चाहते थे और उसे अंतिम 15 से 20 ओवर की भूमिका देना चाहते थे, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो सीरीज में सिर्फ तीन ही गेंद खेल सका। ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्षमता गुणवत्ता हमेशा वहाँ है, वो अभी उस दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 270 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 248 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया को ये मैच 21 रनों से गंवाना पड़ गया। भारतीय टीम 4 साल के बाद अपने ही घर में वनडे सीरीज हारी है, जिसके बाद टीम इंडिया की आलोचना भी काफ़ी की जा रही है और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।